Yeah, thank you. Thank you, Honorable thank Member. Thank you, Honorable Sir. Honorable Member, Sri Ram Chandra Prasad Singh Ji. Dhanyavad, Vice Chairman Mahoday. मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ. मेडिकल प्रोफेशन हम सब जानते हैं एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और इसके जो लोग हैं उनका धर्म ही मानव की सेवा करना होता है. जो पीड़ित होते हैं उनकी सेवा करना होता है. तो जितने हमारे हेल्थ केयर पर्सनल हैं, समाज का और सरकार का दायित्व होता है कि उनका मनोबल बना रहे, सुरक्षित रहें और उनको किसी प्रकार की परेशानी अपने कार्यों करने में न रहे. और इसीलिए आपने देखा कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने उनके लिए इंश्योरेंस की भी घोषणा की. हमारे बिहार में हमारे एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोगों ने अलग से उनको एक एक महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया. और साथ ही जो ये कानून बनाया गया, इस कानून की मैं इसलिए सराहना करता हूँ कि ये सिर्फ कानून बनाया नहीं गया है, इसको बिल्कुल अंतिम तक देखिए कॉग्निजेबल बनाया गया है, इसको नॉन अवेलेबल बनाया गया है. इसमें सजा का भी प्राविधान है, ग्रीवियस के लिए अलग से. साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज FIR दर्ज हो जाती है उसमें टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं रहता है, इसमें 30 दिनों का है. उसके बाद जब ये कोर्ट में जाएगा तो वहाँ भी एक साल के अंदर ही इसका ट्रायल हो जाना है. अगर एक साल के अंदर नहीं होगा तो जज साहब को उसमें कारण दिखाने पड़ेंगे और अगले 6 महीने के अंदर उसका पूरा का पूरा निस्तारण करना पड़ेगा. इसलिए बहुत ही एक अच्छा ही उस हिसाब से एक कानून है. इतना ही नहीं, अगर उनकी संपत्ति का नुकसान होता है तो संपत्ति के नुकसान के लिए भी उनको मुआवजा देना पड़ेगा. और मुआवजा अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उनको जो हम लोग एक रेवेन्यू में कहते हैं एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उनको वसूल किया जाएगा. तो निश्चित रूप से इस कानून से हमारे जो मेडिकल हेल्थ केयर सर्विस के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, वो सुरक्षित महसूस करेंगे और बेहतर ढंग से समाज की सेवा करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू ऑनरेबल मेंबर. ऑनरेबल मेंबर प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी.